सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर सीटू से संबंधित विभिन्न इकाइयों के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मंडी में धरना प्रदर्शन किया। वहीं सीटू के सदस्यों ने केंद्र सरकार को चेताया है कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। सीटू जिला मंडी के महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है। वह आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइपलाइन, बिजली, सरकारी कंपनियों के गोदाम, खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों में आमली जामा पहनाकर ये बजट इंडिया ऑन सेल का बजट है। इससे केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है, वह गरीब और ज्यादा गरीब होगा। राजेश कुमार शर्मा, सीटू का जिला सेक्रेटरी मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज जो 3 फरवरी को अखिल भारतीय जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के किए जा रहे हैं कि अभी जो केंद्र की सरकार है उस सरकार ने जो 44 श्रम कानून उनको बदल करके 4 श्रम संस्थाओं में उसको बदल दिया है और 3 जो कृषि विधेयक हैं उन विधेयकों को बदल लाया है जो कि किसानों के विरोधी है और मजदूरों के विरोधी है। उनके विरोध में पूरे देश के अंदर जो अखिल भारतीय प्रदर्शन सिलसिले में आज यहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है और डेफिनेट तौर पर अगर केंद्र की सरकार इन कानूनों को, काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसके चलते और जो मजदूरों को बंधुआ बनाने की और किसानों को बंधुआ बनाने की जो योजना केंद्र की सरकार ने शुरू किया है और इसके साथ साथ अभी जो केंद्र की सरकार ने से है ना भारतवर्ष की जो कंपनियां हैं, भारतवर्ष का जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनको बेचने का जो प्रबंध उन्होंने किया है, इंडिया ऑन सेल के नाम से जो बजट उन्होंने अभी पेश किया है उसमें रेलवे को बेचा जा रहा है, LIC को बेचा जा रहा है, तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम है उन सबको बेचा जा रहा है। डेफिनेट तौर पर ये जो आंदोलन है तेज किया जाएगा और जो श्रम कानून है श्रम कानून को बदलने से पीछे अगर सरकार नहीं हटती है तो डेफिनेट तौर पर यह आंदोलन तेज होगा। उस कड़ी में अभी आज प्रदर्शन है, अभी 6 और 7 तारीख को हमें राज्य कमेटी की बैठक वहाँ शिमला में बुलाई है और उसी सिलसिले में जब बजट का सत्र आएगा, बजट के सत्र के दौरान विधानसभा को घेरा जाएगा और वहाँ भी बात नहीं बनती तो डेफिनेट तौर पर जो संसद का सत्र भी चल रहा है, इस संसद के बाहर भी एक बड़ा जो प्रदर्शन है सीटू करने वाली है। यह संदेश हम केंद्र की सरकार को, हिमाचल प्रदेश की सरकार को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं कि जो काले कानून है जिनको बदलने की जो 44 कानून है उनको बदलने की जो कवायद सरकार ने शुरू की है उसको रोका जाना चाहिए और जो किसी भी विधेयक है उनको भी वापस ले जाना चाहिए, अन्यथा ये जो आंदोलन है ये तीखा किया जाएगा, तेज किया जाएगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र की सरकार की। धन्यवाद। राजेश कुमार शर्मा, सीटू।